गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ है हुंडई की न्यू हाउस, जो कि है नए अपडेट के साथ। और इसका फ्रंट लुक आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी चेंजेस हो गया है। और यहाँ पे आपको अब ये लग रही है कि i20 है क्या, कैसी लगती है कार, सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो आप जब सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं, फ्रंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक, इसमें आपको ग्रिल मिल जाती है जो कि पहले मिसिंग थी। और ग्रिल काफ़ी ब्रॉड लगती है, उससे गाड़ी काफ़ी चौड़ी लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप में आपको DRL दे दिए गए हैं। और यहाँ पर हुंडई का लोगो आपको जो पहले क्रोम में मिलता था, अब ये आपको एल्यूमिनियम में मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिल जाती है। और साइड से बात कर लेते हैं तो साइड में आप देख सकते हैं कि 15 इंच के आपको टायर मिलते हैं। और कुछ इस टाइप का आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाता है, जो कि पुरानी वाली में मिसिंग है, ऐसा नहीं है। इधर से आप देखते हैं कि साइड में तो कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं, रूफ व्हील पुरानी में भी आती थी, इसमें भी आती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर रियर में, तो रियर में आपको काफ़ी चेंजेस आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कनेक्टिंग लाइट का फीचर आ गया है। और यहाँ पे एस्टा है, टॉप मॉडल ये रहने वाला है, तो ये कनेक्टिंग लाइट का फीचर, हालांकि ये लाइट नहीं है, लेकिन अगर आप करोल बाग से इसे करा भी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है। पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे दे दिया गया है। और नियोस की बैजिंग जो कि पहले भी आती थी, वो यहाँ पर आपको बरकरार की दी गई। दो पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, जो कि पहले भी मिलते थे, लेकिन ये लाइट का फीचर और फ्रंट में आपको जो ग्रिल चेंजेस थे, ये काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी इन्हेंस कर देता है इस कार के लुक को। बाकी बात कर लेते हैं तो रियर में आपको वाइपर, डिफॉगर और हाई माउंटेन स्टॉप लैंप और सार्फिन एंटीना दोनों यहां पे मिल जाते हैं। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक से ही काम चलाना पड़ेगा अभी तक। बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस इसमें देख लेते हैं कितना है। तो बूट स्पेस आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का आपको बूट स्पेस, यहाँ पर आपको रिंग लैम्प मिल जाएगी और यहाँ पर आपको एक लैम्प मिल जाएगा, एक हुक मिल जाएगा और काफ़ी डिसेंट साइज में आपको बूट स्पेस भी मिल जाएगा। टायर की बात कर लूँ तो इसमें आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा, और ये जो कि है स्टील रिम है और ये एक साइड छोटा है, ये आपको 14 इंच का मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप का आपको टायर रहने वाला है। चलिए इसके रियर सीट पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। डायमेंशन में तो कुछ कंपनी ने चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन काफ़ी चेंजेस है जो इसमें आप बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको सेट है, लेकिन फिर भी इसमें आप देख सकते हैं लेग रूम काफ़ी अच्छा खासा इसमें मिल पा रहा है। और हेडरूम की बात कर लूँ तो मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा हेडरूम भी आपको मिल पा रहा है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल विथ कोट हुक आपको मिल जाएगा, पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे, 4 स्पीकर और ट्विटर मिल जाता है, और 2 AC वेंट आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, 1 12 वोल्ट का पावर आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, AC के कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हैं। डोर पर आप देख सकते हैं कुछ टच तो नहीं, लेकिन ठीक है, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी है, पावर विंडो कंट्रोल और 4 स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसमें 6 एयरबैग आ जाता है, जो कि साइड एंड कर्टन एयरबैग भी इसमें शामिल है, जो कि पुरानी वाली में नहीं आता था। चैनल पे पड़ा है, आप दोनों की कंपैरिजन वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बाकी फ्रंट से इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें चेंज है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और कैसी लगती है पुरानी वाली से नई वाली, ये आप बताइएगा कमेंट में। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस टाइप के रहते हैं, बट आर्मरेस्ट अभी भी इसमें से मिसिंग है, जो कि पहले भी नहीं आता था और अभी भी नहीं आता है। तो बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड पे, आप यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ORBM भी कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हैं, तो ORBM के कंट्रोल भी। और ये देख लेते हैं कुछ एल्यूमिनियम ब्रश फिनिश में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए, जो कि ये तो पहले भी आती थी, लेकिन यहाँ पर चेंजेस ये है कि यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल आ जाता है, जो कि पहले नहीं आता था। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई 30 से 35 हज़ार कंपनी ने इंक्रीज तो किए हैं प्राइस, बट यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं, जो कि 6 एयरबैग है। और अगर आप कार चलाते हैं तो आप एयरबैग की इम्पोर्टेंस आप जानते ही हैं कि आज के डेट में एयरबैग की इम्पोर्टेंट क्या है। बाकी सारी चीज़ें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ भी मिलता है, वायरलेस चार्जर यहाँ भी आपको मिल जाता है, जो कि पुरानी वाली में भी मिलता था। चेंज यहाँ पर हुआ है, USB Type-C आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि पुरानी वाली में मिसिंग था, और ये आपको 12 वोल्ट का पावर आउटपुट भी मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको इनबिल्ड आपको इसमें मिल जाता है, जो कि वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मीटर कंसोल कुछ इस टाइप का दोनों डायल में मिलता था, जो कि पुरानी वाली का हल्का सा यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिसिंग थी। अब इसमें MID आपको छोटी सी बीच में दे दी गई है, और अच्छी बात यह है कि इसमें TPMS और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी आ गई है, जिसका आप यहीं से आप टॉगल कर सकते हैं कि व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें आप इसमें अब एक्सेस कर पाएंगे। सेफ्टी के हिसाब से जैसा मैं इसे आपको बता रहा हूँ कि 6 एयरबैग आ गए हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आ गया है, हिल असिस्ट कंट्रोल आ गया है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दे दी गई हैं।
कनेक्टिंग लाइट आ गई है, और ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जो कि सभी गाड़ियों में आजकल आना ही चाहिए, वो सारी चीज़ें, मतलब कि सेगमेंट में आपने एक स्वी में आते थे क्रूज कंट्रोल और किसी में नहीं आते, लेकिन अब आपको नियोस में भी आ गए हैं। गियर की बात कर लेता हूँ, तो गियर अभी तो ठीक ठाक से हैं, बट ये बात करेंगे आप ड्राइव वाले वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कुछ अच्छा खासा इसमें आपको स्पेस मिल जाता है। स्पेस तो हालांकि पहले भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी ये देख लेते हैं। हाँ, ये भी कूल्ड है और अच्छा सा इसमें ग्लव बॉक्स है। पुरानी वाली कैसी लगती है और नई वाली कैसी लगती है, आप दोनों देख ही सकते हैं। कि दोनों की अगर कंपेरिजन वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, दोनों की कंपेरिजन वीडियो भी है। और ये कार कैसी लगती है आप बताइएगा कमेंट में। लास्ट में इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ कि 9,16,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है शिवनाथ हुंडई पे, जो कि है भिलाई में। अगर आपको कार चाहिए तो आप आ सकते हैं शिवनाथ हुंडई भिलाई में। डिस्क्रिप्शन में आपको शोरूम का एड्रेस और नंबर दोनों मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये कार चाहिए तो आप अपनी टेस्ट ड्राइव बुक भी कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।